नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑडियो इस्ट्राइम में। मैं हूं आपका दोस्त अमन साड़ा और लेके आया हूं आपके लिए गजब गजब की न्यूज। तो आशा करूंगा आज की यह डेली डोज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का डेली डोज और आशा करता हूँ आपको हमारा कल का डेली डोज पसंद आया होगा। अगर आप देखना भूल गए तो नीचे जाइए, हमने लिंक प्रोवाइड करके देखिए और बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे बात कर लें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो ये आ रही है गूगल की तरफ से और यहाँ पर आ चुका है इनके कैमरे ऐप के अंदर नया मोड, ये है टाइम लैप्स का। जी हाँ, तो अगर आप कोई भी पिक्सल फोन यूज करते हैं नया या पुराना, तो यहाँ पर आप इस टाइम लैप्स मोड के मजे ले सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आपको ये टाइम लैप्स मोड देखने को मिलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये नया मोड पसंद आया कि नहीं आया। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एप्पल iOS 12.3 बीटा 5 से और ये आ चुका है डेवलपर और पब्लिक टेस्टर के लिए। यहाँ पे बात करें उन चीजों की, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बग्स थे उन्हें फिक्स कर दिया है, साथ ही साथ यहाँ आपको नई डिजाइन देखने मिलेगी और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो पहले से बेहतर मिलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी कोई यूज करते हैं iOS डिवाइस, अगर करते हैं तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए हमारे साथ। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एयरटेल की तरफ से और यहाँ पे ये लेके आ गए हैं वेब वर्जन पर लाइव टीवी और ये आपको देखने मिल जाएगी एयरटेल एक्सट्रीम वेबसाइट पर। यहाँ पे बात करें उन चीजों की, तो कंपनी का कहना है कि 373 चैनल्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे और ओवरऑल आप अपने लैपटॉप पर ही लाइव टीवी का मजा उठा सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप पसंद करेंगे लाइव टीवी, वो भी अपने लैपटॉप कंप्यूटर या और डिवाइस पर देखना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है गूगल के एग्जीक्यूटिव से और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये वर्क कर रहे हैं फोल्डेबल फोन पर। जी हाँ, यहाँ पे बात करें उन चीजों की, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अभी जल्दी तो ये आपको देखने नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए वेट करना होगा, परंतु बोला जा रहा है कि ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, क्वालिटी है, वो अच्छी देखने मिलेगी और हो सकता है कि कुछ तगड़ा आपको गूगल की तरफ से देखने को मिला है। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप चाहेंगे जल्दी से जल्दी गूगल के फोल्डेबल डिवाइस को यूज करना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यह आ रही है HMD ग्लोबल के नोकिया 8.1 से और यहाँ आ चुका है अप्रैल का सिक्योरिटी पैच। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं और ओवरऑल नया सिक्योरिटी पैच भी आपको मिल रहा है। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी यूज करते हैं नोकिया 8.1, अगर करते हैं तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है आपका, शेयर कीजिए हमारे साथ। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है गूगल मैप से और ये आ चुका है अब AR के साथ। जी हाँ, आप जानते हैं लीक्स में मालूम पड़ा था कि ये AR लेके आने वाले हैं, तो ये फाइनली इंटीग्रेशन हो चुका है और यहाँ पर अब आप गूगल मैप में AR का भी पूरा मजा उठा सकेंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये नया गूगल मैप AR के साथ पसंद आया कि नहीं आया। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एप्पल आईफोन XR 2019 वेरिएंट से और यहाँ पर आ चुका है इसका रेंडर सामने। जी हाँ, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिल रहा है। फ्रंट पैनल देखेंगे तो आपको यहाँ नॉच वाले डिस्प्ले देखने मिलेगी जो कि बहुत ही बड़ी है। आप बेजल देखेंगे तो वो भी थोड़े ज्यादा ही मोटे लग रहे हैं। बात करें और चीजों की, तो बैक में आप देखेंगे ड्यूल कैमरा मिल रहा है, LED फ्लैश मिल रही है, आपको यहाँ पर एक माइक का ऑप्शन भी मिल रहा है, नीचे की तरफ आपको दो स्पीकर ग्रिल मिल रही है और साथ ही साथ आपको यहाँ चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है और लुक वाइज ये बहुत अच्छा लग रहा है। अलग अलग कलर में आपको ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखना होगा क्या फ्यूचर निकल के आते हैं, क्या होती है इसके प्राइसिंग और क्या ये वर्थ रखता है परचेस करना। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये शार्प कंपनी की तरफ से, ये एक जापान बेस्ड कंपनी है और ये लेके आ गए हैं नया स्मार्टफोन, वो भी ड्यूल नॉच के साथ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। बात कर लें इसके नाम की, तो ये है एक्वस R3 और यहाँ पर आपको ये कुछ इस प्रकार से ड्यूल नॉच देखने मिलती है। बात कर लें और चीजों की, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 6.2 इंच की प्रो IGZO पैनल और आपको यहाँ क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है। 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिल जाती है, SDR10 सपोर्ट मिल जाता है। आपको यहाँ दो नोट्स देखने मिलते हैं जिसमें ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा 16.3 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और नीचे वाले में आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर। बात करें और चीजों की, तो ये यहाँ पर आपको मिलता है ड्यूल कैमरा पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल का। यहाँ पर आपको AI लाइव स्टोरी, AI लाइव शटर, ये फीचर भी देखने मिल जाते हैं। बात करें और चीजों की, तो ये चलता है Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर पे जो कि लेटेस्ट वाला है। यहाँ पर बात करें और चीजों की, तो 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगी।
3200 एमएच की आपको बैटरी मिल जाएगी, 11 वॉट का QI वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे और सारे कॉमन फीचर मिल जाते हैं। बात करें प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी की तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो वेट करते हैं देखते क्या होता है। परंतु आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप चाहेंगे इस ड्यूल नॉच वाले मोबाइल को लेना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डिलीवरी तो यह आ रही है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 से, और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि आपको मिलने वाला है UFS 3.0 स्टोरेज। जी हाँ, यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ पे मालूम पड़ा है कि आपको चार कैमरा देखने मिलेंगे, जिसमें पहला है 40 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा देखने मिलेगा 28 मेगापिक्सल का, फिर तीसरा कैमरा देखने मिलता है 20 मेगापिक्सल का, और चौथा देखने मिलता है 8 मेगापिक्सल का। बात करें और चीजों की तो बोला जा रहा है 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर पे चलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो यहाँ एकदम लाजवाब लग रहे हैं और लग रहा है कि कुछ प्रोमिसिंग सा आपको नोट 10 में देखने को मिल सकता है। तो आप बताइए क्या आप आने वाले टाइम में नोट 10 को लेना पसंद करेंगे। बात करें अगली डिलीवरी तो यह आ रही है आसूस की तरफ से, और यहाँ पर आप जानते हैं इनका आने वाला है Zenfone 6, और यहाँ पे इन्होंने टीज कर दिया इसे वापस से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर जो कि कंफर्म था। यहाँ आपको ट्रिपल स्लॉट मिलेगी जो कि एक लाजवाब चीज है, ऑडियो जैक मिलेगा, यहाँ आपको पावर बटन मिलेगा, साथ ही साथ एक स्मार्ट की मिलेगा। अब ये स्मार्ट की क्या करता है वो देखना होगा। नोटिफिकेशन LED आपको मिल रही है और यहाँ पर आप डेट और टाइम भी देख सकते हैं। तो लग रहा है कि कुछ तगड़ा आने वाला है, देखना होगा क्या होती है इसकी प्राइसिंग और क्या ये वर्थ रखता है परचेस करना। बात करें अगली डिलीवरी तो यह आ रही है टाटा मोटर्स की हैरियर की तरफ से, और यहाँ पर मालूम पड़ा है कि इसकी जो रजिस्टर्ड सेल है वो पहुंच चुकी है 2075 यूनिट, और ये बात हो रही है अप्रैल 2019 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा हैरियर बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लोगों को पसंद आ रही है और लोग ज्यादा से ज्यादा इसे खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी यूज करते हैं टाटा हैरियर, अगर करते हैं तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए हमारे साथ। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की तो ये आ रही है मिनी की तरफ से, और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि ये लेके आने वाले हैं नई कॉपर JCW, और बोला जा रहा है कि हो सकता है ये आज लॉन्च हो जाए। तो आप वेट करते हैं देखते क्या होता है, क्या प्राइसिंग निकल के आती है और क्या ये वर्थ रखती है परचेस करना। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस नई मिनी कॉपर JCW को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और हो सके तो डोनेट भी कीजिए। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। मैं था आपका दोस्त अमन सारड़ा, भारत माता की जय।